On behalf of my party, the Aam Aadmi Party, I rise to speak on the supplementary demand for grants for the financial year 2022-2023. Sir, saral bhasha mein kahun, to vittiya varsh ki shuruaat mein sarkar ko jitna kharch avantit kiya gaya tha, wo sara paisa kharch karne ke baad, aaj atirikt paisa mangne sarkar is sadan ke bhitar aayi hai. Kaash ye suvidha desh ke aam aadmi ke paas bhi hoti, sir. जो महीने की 25 तारीख को अपना बटुआ खाली देखकर 5 दिन संघर्ष करके 1 तारीख आने की इंतजार करता है. सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स दो चीजें में से एक अवश्य दर्शाता है. पहली चीज, क्योंकि सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी, तो पहली चीज यह है कि जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को पैसा चाहिए था तो सरकार ने अपना जो वित्तीय बजट था उसे अंडर एस्टिमेट कर प्रेजेंट किया ताकि वित्तीय घाटे को सुंदर करके उसका सौंदर्यकरण करके दिखाया जाए. अगर यह नहीं है तो दूसरी स्थिति अवश्य होगी कि सरकार ने अपना बजट पूरी तरीके से मिसमैनेज कर दिया. इन दोनों में से यदि कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी उसी में सरकार को एडिशनल पैसे की अतिरिक्त खर्चे की जरूरत पड़ रही. सर, अतिरिक्त पैसे के लिए सरकार इस सदन के सामने आई है, कोई बात नहीं सर, उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा दो और विषयों पे होनी चाहिए. पहला विषय कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया, क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर्स संकट का अलार्म बजा रहे हैं. और दूसरा, आज से 2-3 महीने बाद यहां से 100 मीटर दूर नॉर्थ ब्लॉक में जहां आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट बन रहा है, आज ये बहस मैं चाहूंगा आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट की भी नींव रखे. और सर, मैं नया सदस्य हूं सदन का, एक सुझाव और देना चाहता हूं. हम सारे लोग बजट पे चर्चा उसी समय करते हैं जब बजट प्रस्तुत किया जाता है. हमें सदन में दो बार बजट पे चर्चा करनी चाहिए, एक बार जब बजट प्रस्तुत हो और विंटर सेशन में 7-8 महीने बीतने के बाद कि उस बजट से देश को हासिल क्या हुआ, मिला क्या, कितनी नौकरियां मिली, क्या बेरोजगारी की दर है, कितनी महंगाई कम. सर, आज सरकार 3,25,757 करोड़ मांगने इस सदन के भीतर आई है. मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान ये पैसे सैंक्शन करने से पहले और सदन का ध्यान इस पैसे को अनुमति देने से पहले, 8 बड़ी बीमारियां जिससे आज भारत देश की अर्थव्यवस्था पीड़ित है, बीमार है, उसकी तरफ करना चाहता हूं. पहली बीमारी है सर, बेरोजगारी. इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे. सर, नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया. सर, 45 ईयर हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया. सर, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तब देश का बेरोजगारी दर 4.9% था. जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था. आज 8 साल बाद 2022 में यह बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया. 8%. और यह तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेस, एमएसएमई के कारखाने कितने बंद हो गए, उनका घर बिक गया, कारखाने बंद हो गए, उसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है. अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने देश को बताया कि कुल 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए. उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चंबा होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी. सर, 22 करोड़ आवेदन पत्र के मुकाबले 7 लाख लोगों को नौकरी. सर, हम लोग छाती चौड़ी कर कहते हैं कि हम युवा देश हैं, हम युवाओं का देश है, हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे गर्व है, फक्र है. सर, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बेरोजगारी के तले दबता जा रहा है, सड़कों पे लाठियां खा रहा है, और भारत सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील करती जा रही है. सर, ये सच्चाई है आज. सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार जिसने देश को
युवाओं को घर पे बिठाने का काम किया, इसका नारा बदल के हो गया है हर घर बेरोजगार, यही है आज की भाजपा सरकार। सर, मैं दूसरी बड़ी बीमारी जो इस भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बड़ी बीमारी है सर, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन को कहा जाता है सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वो महंगाई जो सरकार कानून लाए बिना जनता पे थोप देती है। सर, आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30-year high पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12-15% के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6-8% के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। और सर, आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर, मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था, वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया, यानी कि 20,000 की आमदनी, 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है। सर, मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। सर, एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर, सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। इस सदन में सर, जब प्याज सर, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर, ये बात सही है सर, मैं इसे देखिए सर, आप चलो बोलो सर, बोलो चलो बोलो 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 सर 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 जब देश में सर, इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सबके भाव बढ़ गए, जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं, और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। मैं बताना चाहूंगा सर कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। भारत की पर कैपिटा इनकम वित्तीय वर्ष 2021 में सर 9,160 रुपए से गिर गई, यानी कि हर व्यक्ति की औसतन कमाई 9,160 रुपए गिराने का काम किया, यानी कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। तीसरी बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है वो है आर्थिक सुधार का झांसा, द होक्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर 13.5% थी। दूसरा क्वार्टर आते आते, जिसे फेस्टिवल क्वार्टर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जिसमें खपत भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, मांग भी बढ़ती है, उस क्वार्टर में
आर्थिक विकास दर 13.5% क्वार्टर वन के मुकाबले गिरकर 6.3% पे आ गई सर, यानी कि आधी हो गई। और अगर आप पिछले साल के क्वार्टर सेकंड से दूसरी तिमाही से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2021 में 8.4% दूसरी तिमाही की ग्रोथ थी और इस बार इस क्वार्टर में जो अभी समाप्त हुआ 6.3% है, यानी कि भारत की आर्थिक दर, आर्थिक विकास दर घटती जा रही है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम सर। यह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की हालत है। और यह वर्ष तो जो बीत गया, इस वर्ष तो आपने आर्थिक जो विकास दर था उसकी ऐसी तैसी कर दी। अगले साल के आर्थिक विकास दर के आंकड़े सुनिए, सरकार चाहती है हम 8% पे आगे बढ़े, वर्ल्ड बैंक कहता है वित्तीय वर्ष 23-24 में हम मात्र 6% पे ग्रो करेंगे, क्रिसिल कहता है हम 6% पे ग्रो करेंगे, ओईसीडी कहता है हम 5.7% पे ग्रो करेंगे, गोल्डमैन सैक्स कहता है हम 5.3% पे ग्रो करेंगे और IMF कहता है हम 5.1% पे ग्रो करेंगे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊपर जाने की बजाय हमारी व्यवस्था नीचे आ रही है सर। सर चौथी और एक बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द डेट क्राइसिस, भारत सरकार की देनदारी, भारत सरकार पे चढ़ा बहुत बड़ा कर्ज। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें रहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया, इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए, यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त है जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं सर। सर 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो 40% था, मात्र 40%। आज गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो इस देश में 90% छू रहा है सर, 90%। और इस देश की डेट की स्थिति बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ का कुल कर्जा इस देश ने लिया सर। सर पांचवी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है, पांचवा बड़ा रोग, किसानों का संकट। सर मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन इन लोगों ने माफ कर दिए, लेकिन भारत देश के किसान की जो कर्जा था, जो डेट था, वो पिछले 8 सालों में 53% बढ़ा है, कम नहीं हुआ सर, 53% इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते आज एवरेज फार्मर डेट, पर फार्मर डेट इस देश की 74,000 रुपए, यानी कि 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है यह सरकार, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर यह सरकार। सर आज हमारा देश का अन्नदाता, देश का किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें खाना देता है सर, आज वो जहर खाने को मजबूर हो गया है। NCRB का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी, यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है, 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एंड 30 फार्मर्स पर डे इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड सर। सर मैं अपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि किसान भोला है, भुलक्कड़ नहीं है, वो ये नहीं भूला कि एक साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई सर। और सर किसानों के बारे में मैं एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा सरकार ने किया था कि हम बढ़ाएंगे और दुगनी करेंगे, आय दुगनी करना तो छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट बताती है कि 4 से ज्यादा राज्यों में आय बढ़ाना तो दूर,
30% किसानों की आय घट गई सर, बढ़ाना तो दूर की बात, आय किसान की घटाने का काम इन लोगों ने किया। और एक ऐसे दौर में, एक ऐसे दौर में जब भारत की रूरल इन्फ्लेशन भारत की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि गांव में रहना महंगा है शहरों के मुकाबले। सर मैं छठी बीमारी पे आता हूं, जो छठी बीमारी भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है सर, वो है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में गिरावट। दो बड़े फायदे इस सरकार ने कॉरपोरेट जगत को दिए। पहला, कॉरपोरेट टैक्स कम करके 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का फायदा, 1.5 लाख करोड़ का फायदा कॉरपोरेट्स को दिया, और साल सरकार का हर साल का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान कराया। और दूसरा बड़ा फायदा, अपने दोस्तों के उद्योगपतियों के पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देने, वो माफ कर देने। ये दो बड़े फायदे उन्होंने, रियायतें। ऑनरेबल मेंबर, यू हैव ट्वाइस मेड ऑब्जर्वेशंस अपने दोस्तों के, आई हैव टेकन नोट ऑफ इट। दीज आर वन सेकेंड, कांट यू कीप ऑन, कीप योर सीट। ऑनरेबल मेंबर जया बच्चन रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, आई वॉन्टेड टू रिफ्लेक्ट टू इट आफ्टर यू हैड कंक्लूडेड, बट सिंस you have continued with the two indiscretions, you need to be careful about it. Okay. Everything which you say here leads to consequences. As regards what the honorable member said, if someone is speaking, where is the occasion to make a shouting of that kind? I deprecate this, whether it is from this side or that side. Thank you, sir. Everyone is entitled to patient hearing, and let us not show aggression except in our thought process. Both sides are there, so be careful about it. Go ahead. Sir, ये दो फायदे पहुंचाने के बाद, कॉर्पोरेट जगत को फायदे पहुंचाने के बाद, जब सरकार से पूछा गया कि आपने ये फायदे क्यों दिए, तो सरकार कहती है इससे रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार तो उत्पन्न हुआ नहीं सर, भारत में आज बेरोजगारी की दर 45 साल में सर्वाधिक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी बाजार में, महंगाई की दर 30 साल में सर्वाधिक है, महंगाई भी कम नहीं हुई। और तीसरी चीज जो सरकार हमें बताती है कॉरपोरेट जगत को ये फायदे देने के लिए, कि प्राइवेट निवेश इस देश में बढ़ेगा। सर मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट निवेश Q1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 20% से घटा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2022 के अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 22% से गिरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 59% से घटा है। और GFCF, जिसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंडस्ट्री फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, वो वित्तीय वर्ष 19-20 से लेकर आज तक लगभग सारे क्वार्टर्स में गिरता गया, 1-2 क्वार्टर छोड़ के। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हालात हैं इस देश में। मैं कहना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि आज से 2-3 महीने पहले इंडस्ट्री से बात करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा दैट व्हाई इज द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट इन्वेस्टिंग। उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रियायतें देने से नहीं आती, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट करने से आती है। आपको मार्केट में मांग क्रिएट करनी पड़ेगी, जब मांग क्रिएट होगी तो उत्पादन भी होगा और खपत भी होगी। मैं एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं सर, 7वीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है, डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी, गिरता हुआ रुपया। सर आज हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में रुपये को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है सर, रुपया 82 रुपये हो गया है। जब यह सरकार बनी थी तो रुपया 60 रुपये, सर खत्म करने दीजिए, इज माय मेडन स्पीच सर, प्लीज सर, मेडन स्पीच सर, इज माय मेडन स्पीच, इज माय मेडन सर। 2014 में $1 जब इनकी सरकार आई थी वो 60 रुपए का मिलता था सर, आज $1.82 का हो गया। ये सरकार कहा करती थी, कई बड़े नेता इनके दिग्गज कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है, भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। आज तो सर लगता है कि साख, प्रतिष्ठा और रुपया सब न्यूनतम स्तर पे आ गया सर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं सर कि कोई भी अर्थशास्त्री आपको यह बताएगा कि जब रुपया गिरता है तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और बढ़ने चाहिए भी सर। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बायर अमेरिका में बैठा है, वो भारत की एक वस्तु $5 पे खरीदता था,
आज क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया, वो वस्तु $3.5 में उसे मिल जाती है तो वो ज्यादा ऑर्डर देता है, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चौंका देने वाली स्थिति इस देश में है कि रुपया तो गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, यह मैं सवाल भारत की वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इस ईयर ऑन ईयर आंकड़ों की हम बात करें अक्टूबर 2022 की, तो 16.7% से भारत के एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए सर, यानी कि रुपया भी गिर गया और भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सर आठवीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द फेलियर ऑफ द स्टार्टअप्स। पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम घूम कर सरकार के बड़े नेताओं ने कहा कि भारत अब एक स्टार्टअप नेशन बन गया है, दुनिया में भारत अब दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बोला जाएगा। मैं बताना चाहता हूं सर, क्या कभी वित्त मंत्री जी ने मुड़ के भारत के स्टार्टअप्स की हालत देखी? आज भारत में 10% से भी कम स्टार्टअप्स अपनी पांचवी सालगिरह पूरा करते हैं। ईयर ऑन ईयर 37% का डिक्लाइन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में है। और अनअकैडमी हो, ओला हो, कार्स 24 हो, वेदांतु हो, बाइजूज हो, मीशो हो, चार्ज भी हो, उड़ान हो, ये सारे बड़े स्टार्टअप्स जिन्हें हम न्यू इंडिया की न्यू इकोनॉमी कहकर पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, इन सारे स्टार्टअप्स ने नौकरियां से लोगों को निकालकर हजारों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। सर मैं आता हूं डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये मैं पढ़ रहा था सर, 3,25,757 करोड़ सरकार ने मांगे हैं। इसमें 1,00,000 करोड़ एक सब्सिडी के लिए हैं, 80,000 करोड़ दूसरी सब्सिडी के लिए हैं, 45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी 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 के पैसे मांग रहे हैं। सर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। और जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है सर। इनकी सब्सिडी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हमारी सब्सिडी भी सब्सिडी, इनकी सब्सिडी भी सेफ। और मैं चाहूंगा सर इस देश में बहस होनी चाहिए, और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सर यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर 40,00,000 लीटर मुफ्त मिलता है। सर अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं आम आदमी को, 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। अरे सुनो सर, सुनो शांति से सुनो सर, सुनने सुनने की हिम्मत रखो सर। गुप्ता जी, गुप्ता जी सर, सुनो ना गुप्ता जी, सर उनको तो बढ़ाओ ना, बैठे सर। मैं बताना चाहूंगा इस देश के कंक्लूड, मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं सर, कंक्लूड इस दुनिया में, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, ओवर सर। सर इस दुनिया, कम ऑन इस देश, प्लीज प्लीज ऑनरेबल मेंबर, सर ऑनरेबल मेंबर प्लीज, सर इस दुनिया में, राइट बट प्लीज प्लीज सर इस दुनिया में, लीव इट टू द चेयर, लीव इट टू द चेयर सर। सर इस देश, प्लीज कंक्लूड, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरे बस दो पन्ने रह गए सर। सर इस देश के, इस देश के नहीं 12 पढ़ चुका हूं सर, इस देश, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं सर, जो बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश, 15 मिनट्स ओनली, इस दुनिया सर का बस कंप्लीट कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं सर। वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं सर, वो इसलिए दे पाते हैं, वो उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसलिए विकसित बनेगा डॉक्टर। अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, आखिरी आइटम पे सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में पढ़ रहा था सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा सर। सर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड रेडी बिल्ट ऑफिस अकोमोडेशन फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 30 करोड़ रुपीज। सर खाली 30 करोड़ रुपए ईडी के लिए, इनका बेस्ट परफॉर्मिंग देने वाला विभाग है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, इसके लिए तो 30,00,000 करोड़ लेना चाहिए, खाली 30 करोड़ से बात नहीं बनेगी। Okay, इनको 3,00,000 करोड़ लेकर ईडी के थाने हर गली मोहल्ले में खोलने चाहिए, और किसी मोहल्ले में कोई विपक्ष का नेता ना बचे, सबको जेल में डालने का काम करना चाहिए सर। प्रसन्नता नंदा सर,
सर अंत में डॉक्टर प्रशांता नंदा सर आखिरी पेज है सर आखिरी सर आखिरी आखिरी पन्ना मेरे 10 सवाल हैं बस सर लास्ट मेरा पहला सवाल मैं 10 सवाल वित्त मंत्री जी 30 सेकंड सर दो मिनट बस 30 सेकंड मैं 10 सवाल पूछ के अपनी बात समाप्त करूंगा पहला सवाल डज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर नो द मार्केट प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ व्हीट 1 केजी ऑफ राइस एंड 1 लीटर ऑफ मिल्क टुडे सर व्हाई हैज द गवर्नमेंट सेकंड क्वेश्चन सर व्हाई हैज द गवर्नमेंट्स मेगा बजट presented in February 2022 failed to generate employment. My question number 3, sir, why is inflation in products which are produced in India, not imports like petrol and diesel, burning a hole in the common man's pocket? Sir, question number 4, why is the private sector not investing despite repeated appeals by the Honorable Finance Minister? Question number 5, how many jobs have been created by way of handing out these favors of tax waivers and debt waivers to the corporate India? Question number 6, why is there a tremendous meltdown in India's new economy, that is the startup economy? Question number 7, how long before the rupee regains its value, sir, or is the government working towards hitting a century with the value of the Indian rupee? Sir, question number 8, if the rupee is weakening, exports should rise. Exports are the second engine of our economy. Why are the exports falling? Question number 9, given the sad plight of Indian economy, where the growth rate is lesser than the inflation rate, has India formally entered stagflation? And my last question is, when will the government reduce...